जय श्री राम सबको, मेरी तरफ से वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ श्री राम जी की रथ यात्रा जो कि नकुरू में निकाली गई थी श्री राम मंदिर स्थापना के उत्सव पे। सो बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया गया, उसका पार्ट टू। आपने अगर मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कीजिए, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन वॉच द फुल वीडियो ऑफ पार्ट वन ऑफ रथ स्थापना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए मैं पार्ट टू में शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम लोग स्वामीनारायण टेम्पल में गए। सो गाइज, अभी रथ यात्रा आ गई है कच्ची गुजराती हिंदू टेम्पल में। सो सभी टेम्पल में से होते हुए फिर वापस हमारी रथ यात्रा पहुंचेगी कृष्णा टेम्पल में। सो गाइज, अभी आप लोग भी देखिए कितने भक्ति से परिपूर्ण यहाँ पे श्री राम जी का पूरा यहाँ पे भी स्वागत किया गया है पूरे आतिशबाजियों के साथ। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग, यू कैन इन्जॉय वॉचिंग कि केन्या में किस तरह से सेलिब्रेट किया गया इस समारोह को। पूरे विश्व में आई थिंक सब जगह पे इसको बहुत ही ग्रैंड स्केल पे सेलिब्रेट किया गया। एंड वी आर प्राउड टू बी हिंदू एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन एवरीवेयर वेयर एवर वी आर स्टेइंग इन होल वर्ल्ड। सो पूरे विश्व में मुझे लगता है सब हिंदुओं ने इस उत्सव को बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया। और यहाँ नकुरू में भी आप देख सकते हैं, मतलब लोगों की खुशी का नाच गाना और जो सेलिब्रेशन थी, इट वॉज एट इट्स एक्सट्रीम। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग एंड इन्जॉय एवरीथिंग वॉचिंग इन केन्या ऑल द सेलिब्रेशन। Oh,
We
सो गाइस, रथ यात्रा अभी रघुवंश भवन से होके फिर वापिस टेंपल में जा रही थी और हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया पूरी रथ यात्रा का। बहुत ही आनंद उठाया सबने, पूरा भक्ति से परिपूर्ण गाने लगे हुए थे, भजन लगे हुए थे और साथ में सबने गरबा, मतलब फुल फ्लैश सबने इंजॉय किया। और उसके बाद अभी हम लोग पहुंच रहे थे कृष्णा टेम्पल में। सो पूरे सेलिब्रेशंस के साथ भगवान राम जी की रथ यात्रा जो है वो ऑर्गेनाइज की थी। उसके बाद हम लोग आ गए टेम्पल में रथ की जय हो हनुमान की जय।
सो गाइज, होपफुली आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पूरा नकुरू में जो सेलिब्रेशन हुई है रथ यात्रा की, इट वॉज ऑसम एंड बहुत ही भक्ति से भरपूर्ण थी। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग। तो नेक्स्ट ब्लॉग में अभी यहाँ पे होने वाला है भजन कीर्तन और प्रवचन, सो आप लोगों को वो देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।